तो यार हमारी सोनी दीदी जा रही हैं। दोस्तों बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। अब हम मिस करोगे? सोनी दीदी जा चुकी है और हम उनको अभी से बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओए लखनीत। वेलकम गाइस, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। अभी हम लोग सुबह उठे, हमारी सोसाइटी गेट से कॉल आया कि एक आंटी पंजाब से यहाँ पर आई हुई है मेरे से मिलने, और वो शायद 72 साल की है। आज उनका बर्थडे है, उनको मुझसे मिलना था। एक्चुअली सोसाइटी में सिक्योरिटी बहुत टाइट है तो अंदर नहीं आने देते, तो इस वजह से मैं खुद आंटी के पास जा रहा हूँ अभी मिलने, और देखते हैं यार। आंटी ने कुछ ऐसी बातें बोली सिक्योरिटी गार्ड को जो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताई, जो कि एक बार मैं जाके उन्हीं के मुझे सुनना चाहूँगा। चलो चलते हैं। हम सब लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक पुनीत का कोई नाम निशान नहीं। वो आ भी रहा है या नहीं? अच्छा दूसरी गाड़ी में आ रहा है वो, तो तू किस में बैठा? हाँ हम लोगों को लगा कि हम चारों एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, इसलिए इसी में आ गए थे। पुनीत का सही है भाई, चुपचाप गाड़ी निकाल ली दूसरी, पता भी नहीं लगने दिया किसी को। सो गाइज, आज मैंने नीतू वाला कैमरा उठाया, ये DJI पॉकेट 3 जो मैंने US से लिया था, और आज मैं इसमें व्लॉग कर रहा हूँ। आप लोग बताना कैसा लग रहा है इसमें। वाइड एंगल लेंस मैंने इसमें लगाया हुआ है, जो कि नीतू कभी नहीं लगाती, हमेशा भूल जाती है। आज वैसे दिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा भाई है ना, वो नहीं लगाता, तो उनको पता ही नहीं था, उनको तो मैंने आज ही बताई सारी चीज़ें। शायद यहीं पर बैठे हुए हैं वो लोग जो पंजाब से आए हैं, आप लोग देख सकते हो। सो गाइज, आंटी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, तो इसलिए हमने कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, और हम लोग उनको अपने घर लेके जा रहे हैं। यार वो बहुत रो रही हैं, वो स्टोरी हम आपको बताएंगे मतलब क्या हो रहा है, लेकिन उनको हम अपने घर लेके चल रहे हैं। सो गाइज, उन आंटी से हम मिल लिए। एक्चुअली वो जो आंटी है ना, उनके बेटे 15 साल पहले ही चले गए, और आंटी ने बताया कि उनके बेटे की शक्ल बिल्कुल मेरे से मिलती है, तो वो मेरे में अपना बेटा देखती है। उनका बर्थडे आज स्पेशली पंजाब से यहाँ पर आई हुई थी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। साथ में वो दीदी भी थी, उनकी बेटी जो है अब उन्हीं के पास वो रहती हैं, और वो हक करके जिस तरीके से रो रही थी ना, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा था मेरे को कि कितने प्यारे प्यारे लोग भगवान दे ही देते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान 4 खोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगा यार मेरे को देख के। वो एक जो होती है ना, एक जब माँ हक करती है तो जो एक वार्मथ होती है, तो वैसा फील हुआ। पता, हक करते टाइम ना वो कांप रही थी, तो यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी फ़िलहाल उनका आंटी जी का नंबर हमने ले लिया है, हम उनसे टच में रहेंगे, और जब भी मैंने उनको बोला है, उनको जब भी मिलने का मन करे, जब भी याद आए, तो सीधा कॉल कर सकती है। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के यार। सो गाइस, अभी मैं और नीतू जा रहे हैं, हमने अपनी सोसाइटी में एक घर हमें दिखा है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा हमें लगा फोटोज़ में, तो मैं और नीतू उसको विजिट करने जा रहे हैं, और होपफुली ये घर ठीक हो तो हम इसको रेंट पे ले लें। क्यों नीतू, भगवान करे हो जाए, हो जाए। इतने धक्के मुक्के खा रही हूं मैं। यस, धक्के मुक्के क्या खा रही है भी तू? मैं डेली जाना आना, फिर वहां से बात नहीं करना, तो धक्के तो मारूं। अच्छा जी, चलो चलो। कहाँ है ड्राइवर भैया? कहाँ है नीतू? इसका बैट बनवा लूँ पास के लिए भी? कल तो तूने बनवाने नहीं दिया मेरे को यार, अच्छा खासा बनवाने की सोच रहा था, आई नहीं अभी तक इसका मतलब वो। गाइस, हमारा प्रमोशन शूट है जिसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। सो गाइस, अब हमारा लंच टाइम हो चुका है, ये सब आज लंच में है। काफी मजेदार खाना बनवाया भाई नीतू ने मेरे लिए। हम लोग बिल्कुल रेडी हैं शादी में जाने के लिए, क्योंकि आज है हमारे पुनीत की शादी। तुम्हारी ही शादी है, पेट ऐसे क्यों अंदर कर लिया? नहीं, पेट अंदर दिखा नहीं सकता ना। शादी गाइस, जो पुनीत की शादी है वो पुनीत लड़की को भगा के लाया है, तो पुनीत चाहता है। अच्छा पुनीत, तुझे क्या लगता है, भाग के शादी करना गलत है या अरे ठीक है? भागते थक गए तो खड़े होकर करो। नहीं थका तो बता, भाग के शादी करना ठीक है या फिर कर सकते हैं? अपनी अपनी सोच है। नहीं अब नहीं, अब मत करना, अभी पेट निकल रहा, भगा नहीं। अरे कम हो जाएगा ना पागल, तुम पेट के पीछे क्यों पड़े हुए? कुछ निकल ही रहा है, कुछ जा तो रहा नहीं है। और हमें रोहित क्या? अरे यार रोहित, थोड़ी शॉपिंग करानी है, हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने रोहित की। है रोहित, क्या क्या लेना है तुम्हें अभी? अच्छा शादी में तो जो दुल्हन होती है वो साड़ी पहनती है या लहंगा पहनती है? लहंगा भी पहन सकती है। पहन सकती नहीं है, पहन दिखा वैष्णव क्या कर रही है, उसने लहंगा ले लिया। किस कलर का? रेड। रेड, हाँ यार ये जो पिंक और पिंक व्हाइट ये सब, तो वैसे वो पिंक ले रही थी? नहीं मतलब ले सकती थी, ले सकती थी पर लिया नहीं। यार रेड होना जरूरी है ना। हाँ, ले सकती थी पर लिया नहीं, क्योंकि नहीं तो ना। तो चंदू क्या पहन रही है? चलो यार कर पे शर्मा, मुझे तो तेरे शर्मा आएंगे से। मैं क्यों शर्माऊंगा यार, तो खुश तो है। इसकी शादी हमने पोस्टपोन कर दी है, क्योंकि आपको पता है 8 तारीख इसकी शादी थी, 12 की है ना इसकी, 12 के हमारे रोहित की शादी है, तो हमारे लिए रोहित ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, रोहित से कही थी हमने, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, फिर हमने कैसे कर। हाँ रोहित से हमने
क्या कह रही तुषार कि भाई बाद में शादी करते सही नहीं रही क्यों थे उसने हाँ। भाई पूछो कैसे रो रो के कैसे रो रहा था तुम कोई ना जा रही थी यहाँ पर कौन है तेरे बता रहा रोहित रो रहा है मैंने क्यों करे शादी पोस्टपोन करे मैंने कहा करने दे उसे चल इतने क्या बड़ी बात तुम हीटर नहीं लेकर आ पा रहे मैं तुम्हें बोल दे चले जाओ मार्केट 18 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है लेकिन बैठे उसके आगे देख तू तू इससे अधेड़ उम्र का तू है मारो तुझे अपने से पुनीत अधेड़ अपने से अधेड़ उम्र वाले को मारता है शर्म टोला मार टोला टोला वो नहीं निकाल देते यार ऐसे मारते ओए हम लोग जा रहे चले पुनीत की शादी में और मिलेंगे कल पागल हो गए दाना दाना पागल हो गए भागो गाइस मेरे पास आया पंजाबी सूट क्योंकि कल है लोहड़ी तो हम लोगों को सेलिब्रेट करनी है कुछ इसी स्टाइल में तो अभी मैं आपको सूट दिखाती हूँ तो एक तो ये सूट है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा इसके साथ पजामे ये है अब जिसने मुझे दिया है उसको मेंशन करूंगी इंस्टाग्राम पर वाह यार सुंदर है एक ये सूट है ये बहुत ही सिंपल सा है घर में पहनने टाइप का है ये क्या नहीं मिल रहा तुझे एक ये सूट है इसके साथ दुपट्टा नहीं है लेकिन इसकी सलवार बहुत सुंदर है ऐसी इसकी सलवार ये साड़ी शॉल है जो भी है साड़ी है मारूंगी और ये है एक और साड़ी अभी साड़ी और ये पानी क्या है ये टैडी बताएगा और ये क्या है पुनीत ये है जैकेट यार मेरा एक और पार्सल है इसमें नहीं ये ड्रेस है नहीं ये जैकेट है बताइए कर ले क्या है और आया है एक और ब्राउनी नो ये ब्राउनी हमारे कपड़ों पर जाता है और टॉयलेट कराता है इसको हमने सिखाया नहीं बेटा ऐसे टॉयलेट नहीं करनी एक ये सूट है हाँ दीदी पजामे यहाँ बहुत दूर यार बहुत दूर। ये ले जाओ ये लो ये पहन लेना मेरे बैग में 1% भी जगा नहीं ये आप थैले में ले जाओ ना कल एयरपोर्ट लुक यही कर लेना ये मेरा एयरपोर्ट लुक हो चुका है सब कुछ हो चुका है आने वाला ले लेना ना तो यार हमारी सोनी दीदी जा रही है कम से कम 10 दिन के लिए और हम बहुत मिस करेंगे आप हमें मिस करोगी नहीं आप मिस करोगी नहीं नहीं अभी देखो फिर से चेंज हो जाएंगी भाभी हां इससे मुझे लो दीदी ये भी लेके चली जाओ ओके लो लाओ दो रहने दो ये अच्छा नहीं लग रहा कैमरा ऑन है जल्दी दो अच्छा हां यार सुन दीदी जा रही हम आपको बहुत मिस करेंगे तो मैं तुम्हें थोड़ी कम मिस करूंगी वाओ यार ये क्या है देख ले ये कुछ नहीं करेंगे नाटक कर रहे हैं मैं वो नहीं वो तो रख लिया मैंने सच में मेरे ब्लाउज सिलवा देना भाई हां भाई बचपन है हाँ क्या बचपन है ये खूब सारा सामान लेके जा रही है अभी हमें जब उधर से आओगे ना तो ट्रेंडिंग 4 चाहिए हाँ नहीं ट्रेंडिंग 1 पर नहीं आना इधर 2 पर आ गया नहीं 1 पर आ गया था लेकिन हमने देखा नहीं था उस टाइम हाँ वो रात के 3 बजे आया था जब बिल्कुल ही सोते हैं लोग हाँ हाँ आया होगा पक्का वो सिर्फ क्या था ना वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था तो मैं देखा भूल गई नहीं वो, नहीं, वो 1 मिनट के लिए वो 5 मिनट के लिए आया था झोची को तो बाय बाय कर दो पहले बच्चों को हाँ बाय बाय हट रहे ये गुच्ची कह रहा है अब गुच्ची को मिस करोगी ना हाँ हाँ गुच्ची की मॉम को ज्यादा बाय बाय कर दो बुआ को बोलो जल्दी बाय 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 बेटी क्या ड्यूटी है बाय बाय दीदी दीदी बाय बाय दीदी बाय बाय दीदी बाय बाय जब जब आप आओगे मुझे दीदी बाय बाय भैया बहुत भैया कितने खुश होंगे मैं छोड़ यार बाय बाय दीदी बाय 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 दीदी दीदी मुझे बहुत याद आएगी आपकी दीदी मैं जा भी नहीं रही हूं दीदी बाय दीदी इतने दिन के बाद मैं दीदी दीदी साथ में रुक जाती हूं चल मैं रुक जाती हूं नहीं 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 राजा भाई अरे अरे दीदी जैसे बोले मैं रुक जाती राजा भाई के एक्सप्रेशन चेंज हो गए भगवान कसम देखो यूं थे जा रहे मैं रुक जाती भैया बाय बाय दीदी आपको क्या लगता है छोड़ने वो ऐसे जा रहे हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो कह रहा हूं सामान रख के पता करूं भैया मैं वापस नहीं जा रही हूं आ रही हूं अच्छा मैं आपकी दाल चावल दे रही हूं छोटा क्या हो रहा था ये दिखाइयो फोन दिखाइयो क्या लगा रखा है भैया किससे बात कर रहा है तेरे तो शादी भी नहीं हुई अभी किससे बात कर रहा है बता ना सही बता पक्का कोई है तो नहीं नहीं हेलो
सैंडी तेरी शादी नहीं हो रही, बाकी सबकी हो रही है, अधेड़ उम्र में रह के भी तेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी शादी नहीं हो रही है, बोल मैं करना नहीं चाह रहा अभी, फर्क है दोनों में। भाई तू करेगा पहले चंदो से फिर मैं करूंगी। तू भी चंदो से नहीं, चंदो से नहीं, तू कर ले पहले। नहीं मैंने तुम्हें कुर्बानी दे दी तुम्हारी, तुम दे रख लो चंदो। मैं मेरे भाई मुझसे बड़ा है तो मैं चाहती पहले वो मुझे ज्यादा खुशी हो रही है, तू रख ले। तू कर ले, हमें लग रहा है इसको ज्यादा जल्दी है भाई। चल तू कर ले यार, यार भाई कर ले शादी, कर ले कर ले कर लेगा लड़का। सैंडी भाई देखो तुम्हारी खुशी के ये हाथ मत पकड़, ऐसी खुशी मेरे को नहीं चाहिए, ये हाथ गलत पकड़ रहा है तू। यार मैं तो तुम्हारा भला सोच रहा हूँ, तुम्हें 40 साल हो गए बिना शादी के, तो कुछ तो कर लो, बट्टा दो 40 बट्टा दो बट्टा दो मतलब 20 साल। सोनी दीदी जा चुकी है और हम उनको अभी से बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप सोचोगे वो कहाँ गई हैं, तो वो हम बाद में रिवील करेंगे, आप उन्हीं के व्लॉग्स में देखोगे कि वो कहाँ गई है, क्योंकि हम चाहते हैं उनका व्लॉग फिर से ट्रेंड पर आए, उनका वो जो एक रिदम चल रहा है ना व्लॉग ट्रेंड में आने का वो आए। तो बस आप जो अभी व्लॉग डालेंगे वो भी ट्रेंड में लेकर आना। बाकी मेरा एक देखो पार्सल फिर मेरा है यहाँ पे, ये लोग देखते नहीं है अच्छे से। दोस्तों बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मैं आप लोगों से। अब आप पूछोगे क्यों, मैं 2 दिन से अपने व्लॉग्स देख रहा हूँ भाई, 60 या 70 हज़ार लाइक, ये क्या है भाई, हमारा टारगेट तो 1 लाख का होता है, क्यों भूल गए आप सब? मतलब 6-7 लाख व्यूज़ आते हैं और मतलब 1 लाख भी अगर उस पर लाइक नहीं आ रहे तो आप देखो कि आप कितना कम लाइक कर रहे हो अपने भाई को, नाइंसाफ़ी कर रहे हो मेरे साथ। लाइक कर दिया करो वीडियो, देखते लाइक कर दिया करो। आप लोग भूल जाते हो मेरे को पता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते, आप भूल जाते हो, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ आपको इसी बहाने से, कर दो अभी, कर दो अभी। यस टीम, क्या अपडेट? लोहड़ी पार्टी चल रही है हमारी। लोहड़ी पार्टी? लोहड़ी कब है? कल है ना। अच्छा तो पार्टी आज क्यों है फिर? हम एक दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं ना अपनी। अच्छा ताकि कल वीडियो चली जाए सेलिब्रेशन के टाइम पे। ओके इस बार लगन देखो हमने क्या लगाया है। ये क्या है? क्या होता है इसको? शेल्स। परांदा। परांदा, ओहो इसी को परांदा बोलते हैं। ओके ए वे तू किसका कॉपीराइट आएगा? मतलब इतना अच्छा है कि गाना गाओगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, ऐसे तो मैच होते हैं यहाँ का यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ये एग्जैक्ट सेम गा जाती है ना। बहुत तो इतना सेम गाएगा यार। डांसर सिंगर बाकी बस बस नहीं बस प्लीज प्लीज बस हो गया हो गया हो गया हो गया हम लोग आते हैं। तू अरे यार तू मत, वो भी गा रहा है ना, वो भी तो वो भी गा रहा है पीछे से। चलो वो मेरा काम। 1 2 3 जैसे हमने एक इसे भी तो गाना था, तो मम्मी के साथ गाना है। अरे भाई वो भी है, हो गया हो गया तुम्हारा, वो सुनना नहीं चाहता और ना ऑडियंस सुनना चाहती। मैं भाई मैं दिया जला लेता हूँ, सॉरी दिया लगा देता हूँ, मुझे किसी ने बोला जलाना इज अ बैड वर्ड, दिया जलाना नहीं बोलते, दिया लगाना बोलते, तो मैं दिया लगा लेता हूँ। यार यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। चुप 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 लगा, देखना देखो पक गया वो, उसने कहा पागल हो गए। इतनी सुरीली आवाज हमारी लग रहा है। आज हमारे घर में एक इंसान बहुत खुश है। कौन? राजू भैया। क्यों नहीं पता? नहीं नहीं ये सीक्रेट तुम्हारे सोनी दीदी जब गई ना तो वो उनको नीचे तक छोड़ने गए। हाँ, हैं? सोनी दीदी को छोड़ने के लिए, और जब दीदी गई थी ना 15 किलोमीटर दूर तक दिख रहा था भाई। ऐसा क्यों? अच्छा दीदी दीदी खाने में बहुत वो निकालती कमी है इसलिए। और कभी भाभी को छोड़ने नहीं गए नीचे। अच्छा दीदी को देख रहे, जैसे दीदी ने बोला चल पूनम दीदी हाँ पूनम दीदी तू राजू भैया है और दीदी को नीचे तक छोड़ गया है भाई। बैग भी गाड़ी में रखा बैठा है, मैं तुम्हारा बैग लेके चलता हूँ, मैं आपका बैग लेके चलता हूँ। अरे भाई ओला वाले को पैसे भी दिए कि बेटा वहीं छोड़ के आइयो। ओला वाला नहीं था, हमारा बैग रखा गाड़ी गई। राजू भाई ये सही कह रहे हैं क्या? आज बहुत खुश हो दीदी चली गई तो? अरे यार वैसे खुशी राजू भाई के अलग दिख रही है, हंसी में भी खुशी है भाई, बहुत अलग से दिख गया। काय को कह रहे रहने दो, हाथ कटवा तो ले लो, हाथ में टैटू बना दे तो ये चलो।
इसके हाथ से बस मेरे और नीतू के सिवा कोई नहीं ले सकता। भैया सुधीर कुमार घर से निकलने को बाहर नहीं निकला। ओ भाई तो कभी तो गाड़ी में टैक्सी क्या हुआ क्या हुआ सुधीर को आज घर से निकलने का टाइम नहीं मिल रहा, मतलब कोई बहाना नहीं मिल रहा, तो सुधीर कभी तो जाके स्कूटी का टायर चेक कर रहा। दीदी स्कूटी का टायर चेंज करा लो, कभी गाड़ी कर दी देखो घूम रहा, और सुबह तो नया लेंगे। अरे ना लिया कर भाई, ना लिया कर भैया। एक और ऐसा कौन रोहित नहीं, सुधीर दो बार तो मेरे पास आया था कि भैया उसको घुमाने ले जाऊं मैं गुची को, तो मुझे लगा जेन्युइनली उसका मतलब शायद घुमाना होगा, फिर मेरे को याद आया कि दोपहर में तो घूमता ही नहीं है वो, तो फिर मैं समझा कि भाई सुधीर का कुछ तो चक्कर है आज। कल है, आज दिवाली पार्टी चल रही है। अबे खुद ही हंसती रहती है लोग। अब हम आज बना रहे हैं चूल्हे में, सुधीर क्या बना रहे हैं हम चूल्हे में? पॉपकॉर्न। पॉप। अच्छा मुझे सुधीर ने बोला था दीदी मेरा पॉपकॉर्न खाने का मन है, इसलिए आप मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दो। मैंने कहा चल चूल्हा जा क्या था दीदी गैस में भी तो बन सकते हैं, लेकिन हमारी गैस बिजी है, वहाँ पर रोटी बन रही है, अभी सबका खाने का टाइम हो गया। लेकिन देखो चूल्हे में बनाना आप सभी को बताया मुझे बहुत पसंद है, और मेरी फेसबुक की ऑडियंस बोल चैलेंज देती है मुझे कि हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, आप चूल्हे में ये बनाओ, आप चूल्हे में वो बनाओ। तो आज क्या चैलेंज मिला है? मैं सुधीर की बात मजाक कर रही थी, सुधीर ने नहीं बोला पॉपकॉर्न खाने में। आज नागपुर से छत्तीसगढ़ से जो चैलेंज मिला है, रूपाली नाम है जिनका, उन्होंने बोला दीदी आप इस पे पॉपकॉर्न बनाओ, हमें देखना है कि वो कितने हवा में उड़ते हैं। सो रूपाली जी आपका चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप भी देखना और हम भी आपको दिखाएंगे। भाई मुझे मूंग दाल के हलवे का चैलेंज मिला था जो कि मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उसको बहुत चलाना पड़ता है ना सैंडी, कितना टफ था हमारे लिए। और इसमें क्या आज की आदत नहीं है ना, मैं पता नहीं कि कम ज्यादा कैसे करते हैं। अच्छा मैंने अपना परांदा खोल दिया बिकॉज मेरा शूट खत्म हो गया है। अरे अरे मेरे बच्चे आ गए, हटा मेरे बच्चों को, ऐसे ही रख दो बस, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। ज्यादा आग हो गई, जल गई अंदर से, यूं करके दवा रखना ना वो ही ऊपर उड़े जाए। नहीं नहीं भाई भाई हमारे पॉपकॉर्न जल गए हैं। कैसे मैं बताते सबको बहुत अच्छे जल रहे हैं। तो चल खाना, तो रोहित टेस्ट करा है, सही तो लग रहा है। हाउ इज इट? ले सुधीर खा जा, बटर वाला खा जा। अरे हंस रही है। ले ले ले, हमने कर दिया है कढ़ाई को साइड, क्योंकि अब हम लोग बना रहे, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, रेड हो गई थी, तो अब हम लोग बना रहे हैं कौन से वाले पॉपकॉर्न खाने के लिए रहे? गुड़ के पॉपकॉर्न। तो गुड़ लेने गया तुझ हमारा रोहित सुधीर। बाकी पॉपकॉर्न जले हुए किसको खिला दिए? छोटे कई खा ले ले, उसने मुट्ठा भर ली, मुट्ठा भर लिया पूरे जले हुए हाथ। पहले हम कढ़ाई को अच्छे से क्लीन करेंगे। सो अपना डिनर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये मलाई कोफ्ता जो आपने सुबह देखा था उसी के साथ मैं खा रहा हूँ, चिली पनीर, ये कॉम्बो समझ नहीं आ रहा मेरे को बट खाने में टेस्टी है। और मलाई कोफ्ता जब मैंने पहले देखा मेरे को लगा कड़ी है पकोड़े वाली, और उसमें ज़्यादा मिर्ची डल गई है क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। लेकिन आज पता है बहुत टाइम बाद, मतलब पिछले मेरे ख्याल से एक महीना कह सकते हो आप, मेरी भूख दोबारा से बढ़ने लगी है, तो वो जो वेट गेन वाला प्रोसेस है दोबारा से थोड़ा ठीक होगा। बाकी तो आप सब हो ही मुझे गाइड करने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे वो बता रहे हैं कि बेटा ये खाओ अब वो खाओ, थोड़ा सा ना आपकी भूख बढ़ेगी, क्योंकि भूख बहुत कम हो गई थी, एपेटाइट काफ़ी कम हो गई थी मेरे बीच में। तू क्यों खड़ा है भाई वहाँ, आजा इधर आजा आजा। अरे 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 भू भू भू, हमला मत कर दियो मेरे पे। गुड नाइस, आ गया ये भी आ गया। अच्छा अपनी भाषा में समझते हैं। अरे अरे वाह भाई वाह, मतलब सत्य है किसी को कितना ही आप हिंदी में समझा दो अपनी भाषा में समझा दो, जो जिस भाषा में समझता है वो उसी भाषा में समझेगा, है बेटा। ये भी यार हमारे परम ज्ञानी हो रहे हैं दोनों, देख रहे हो किस तरीके से इनडायरेक्टली ज्ञान बांट रहे हैं समाज को। हाँ हाँ बोलो, थैंक यू फॉर द लेसन भाई। आज मेरी नींद भी सही से पूरी हो रही है, तो होपफुली कल से आपको दोबारा से फुल एनर्जी वाले ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती काफ़ी टाइम से ना, तो मैं लो ऑन एनर्जी था काफ़ी ज़्यादा। और मैंने अभी पता इतना कुछ देखा कि जो रिसेंटली इतना कुछ हुआ, तो मुझे इतना तो समझ आया कि देखो आपको ना, मतलब अगर आप ठीक हो ना, तो नो मैटर कि आपके अगेंस्ट कौन कौन है, कितने लोग हैं, क्योंकि
इतने सारे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे और इंस्टा पे इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल पर जुड़े रहते हैं लोग, तो पता है मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं। कोई मुझे कह रहा है कि बेटा कौरव 100 थे, पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन सच्चाई की राह पे थे इसलिए देखो विजयी हुई। और आपको पता है आपको ना हमेशा अगर मौका मिले ना लीडर बनने का तो आप राम जैसे बनना। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 22 तारीख को आ रहे हैं अयोध्या में, लेकिन उनकी पता सबसे अच्छी बात, मैं हमेशा अपनी टीम मेंबर्स को एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अगर आपका लीडर राम है ना तो आप वानर की सेना से भी आप युद्ध जीत जाओगे। अगर आपका लीडर ही रावण है ना जो दूसरों का बुरा चाहता है, जो नेगेटिव है, तो आपके पास बहुत बड़े बड़े जो उस टाइम के जितने असुर थे सब उनकी सेना में थे, देखे होंगे आपने, उसके साथ भी हार गए। लेकिन अगर आप सच्चे हो, आप भगवान श्री राम के पथ पे चलते हो ना, तो आप एक वानर की सेना को भी पार लगा दोगे। तो यही फर्क है कि आप फॉलो किन लोगों को कर रहे हो, कि आपका लीडर कौन है। तो हमेशा अपना लीडर अच्छा चुनना और हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी ने मैं एक बुक पढ़ रहा था श्री राम पर, वो कमेंट्री थी और उसमें लिखा हुआ था कि राम के लिए मरना और राम के हाथों मरना दोनों में फ़र्क है। मतलब कि आपने देखा होगा जो वो सोने का वो बनकर आया था, मरीच बोलते थे ना शायद उनको, सोने का वो बनकर आए थे हिरण है ना, तो वो मरीच, उनकी एक ही सेटिस्फेक्शन था कि चलो आज मैं रावण के लिए काम करूं लेकिन मेरी मृत्यु वो प्रभु राम के हाथों होगी, है ना। तो वो राम के हाथों मर गए, लेकिन एक थे जटायु, वो राम के हाथों नहीं मरे, वो रावण के हाथों मरे, लेकिन वो राम के लिए मरे। तो आप किस साइड खड़े हो, समझ रहे हो ना, इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो भाई अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना, मैं मतलब कुल मिला के यही बात बोलूँगा, अगर आप ठीक हो तो आप हमेशा ऊपर वाले पर यकीन रखना, वो आपके लिए एक रास्ता बंद करेगा 10 खोलेगा, वो आपके लाइफ में 10 अच्छे लोग भेजेगा। और आपको डरना नहीं यार कभी भी, क्योंकि ना सच्चाई कभी डरते नहीं है सच्चे लोग, याद रखना। आ गई, तुम्हारे लिए एक चीज बनाई है। क्या है, कहाँ है प्लेट हमारी? क्या बना दी हमारी शाही प्लेट, कहाँ है? क्या बना दिया तो बता दे। रुक जाओ। देख तेरे चमचे को देख, और ये बातें करता है, देख दिखाऊं। बू 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 कर दिया, चलो। क्या बनाया? क्या बनाया हमने? पॉपकॉर्न कैरमलाइज्ड। पॉपकॉर्न है? ना अरे तू ही खा इसको। तूने क्यों बोला खाइयो? नहीं तो मैं तो वैसे भी नहीं खाता, वो नहीं कहती तो गुड़ वाले पॉपकॉर्न। ये हां पॉपकॉर्न तो लगी नहीं रहे, गुड़ वाले गुड़ है। तूने खा के देखा? अरे भैया बहुत अच्छे है, खाओ। एक ले यार, मैं अच्छी चीज चाहता हूं मेरी टीम खाए। जल्दी ले, जल्दी ले, ले ले ले, खा जा। जैसे अंदर आई ना ऐसा हो गया, मेरे पास भाग कर आया, कितना प्यार करता है, जबकि मैं छत पर ही थी। ओए कंजी कहाँ चली गई वो? यार मुझसे मिल के नहीं गई, मैं सो रहा था उस टाइम। मुश्किल से तो तुम सोए। यार मुझे इतना बुरा लग रहा है, वो मेरे से बिना मिले चली गई, मैं एक बार उसको कॉल कर लेता हूँ। ओ ये तो कीर्ति रावत है। कीर्ति रावत कहाँ पहुँची है आप? पॉपुलर तो तू हो ही गई है, लेकिन एक चीज और है भाई, इसका तीसरा व्लॉग भी ट्रेंड कर रहा है, वो भी नंबर 6 पे। अरे छोटे मोटे ट्रेंड नहीं आते इसके, है ना? मैंने जैसे हमारा ट्रेंड पाया, अभी मैंने देखा 42 पे था, 39 पे था। भाई इसका पहला आया था नंबर 3, फिर दूसरा है नंबर 2, तीसरा है नंबर 6। ड्रीम, आप लोग इसको इतना प्यार करते हो। अभी मैंने आपसे शिकायत की कि मेरे व्लॉग तो आप लाइक भी करना भूल जाओगे ना, कमेंट तो आप कर दे हो यार, नो डाउट। मैं उसके लिए आपको देखो कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों ने से मुझे बदनाम बहुत करा रखा है ना, आप लोग जा जाके कमेंट करते हो और फिर ठप्पा मेरे ऊपर आता है हर चीज़ का। लेकिन भाई सच में हैट्स ऑफ यार, आपने इतना प्यार दिया इसको, थैंक यू सो मच, मैं आपका आभारी हूँ। कब आएगी वापस? बहुत जल्दी। अच्छा ठीक है, व्लॉग बना लियो लेकिन वहाँ का। राजू भैया तुम आपको मिस कर रहे हैं। चलो ठीक है, फन करें। गाइस आज हमारा एक नया प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा है, अभी नीतू की नंद भाभी सीरीज के साथ साथ, अब ये दोनों क्या करोगे तुम दोनों? अड़ोसी पड़ोसी माँ और ये दोनों बच्चे स्कूल गोइंग, और ये चिंटू के बीच में एंट्री होगी, इनकी क्लीन शेव होगी तीनों की। अच्छा तेरी भी शेप। तू क्या मुझे आइडिया दे रहा था भाभी, क्लीन शेप करा सकती है? और सबसे पहले से की होगी हमें क्लीन शेप, देख लिया ना बेहोश हो जाओगी। तो भाई अभी हम लोगों ने सबने भगवान से प्रे करा है कि इस सीरीज को भी इतना ही प्यार मिले जितना नंद भाभी को मिला, तो आप लोग प्लीज 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 सब बहुत सारा प्यार देना। कब से पहला एपिसोड आज ही आएगा ना इसका फेसबुक पर? पहला एपिसोड हाँ आज ही आएगा, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी आएगा इसका। हाँ 6 बजे यूट्यूब पर भी आएगा और फेसबुक पर भी। तो बहुत सारा प्यार देना इसको यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि आपको पता है घर लेने में बहुत खर्चा होने वाला है अपना, तो भाई बहुत सारी चीजें देखनी है,
तो इसीलिए आप बहुत सारा प्यार देना। ओके गाइस, गाइस यहाँ पर हो गया हमारा काम खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है कॉमेंट्स में बताना, और मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू गाइस, गुड नाइट। जो यूएस से देख रहे हैं, कनाडा से देख रहे हैं, और जो इंडिया से देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, बाय एंड हाय।